केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से इस साल कई हस्तियों को सम्मानित करने के लिए पद्म विभूषण और पद्म भूषण समेत अन्य अवार्ड का ऐलान किया गया है। इस सम्मान में बिहार की 5 हस्तियों को पद्म भूषण और पद्मश्री से नवाजा गया है। इनमें दलित राजनीति को उभार देने वाले दिवंगत रामविलास पासवान, साहित्य और शिक्षा से लगाव रखने वाली गोवा की पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय डॉक्टर मृदुला सिन्हा, मधुबनी पेंटिंग को विश्व फलक पर पहुंचाने वाली दुलारी देवी, भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर के नर्तक मंडली में रहे कलाकार रामचंद्र मांझी और जनसेवा ही जनार्दन सेवा के मूल मंत्र को आत्मसात करने वाले डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह का नाम शामिल है। रामविलास पासवान, 6 PM के साथ काम करने का रिकॉर्ड। पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान का संसदीय जीवन 5 दशकों का रहा है। इस दौरान उन्होंने रेल, खाद्य उपभोक्ता, इस्पात, कोयला समेत कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों को संभाला है। राजनीतिक जीवन की शुरुआत उन्होंने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के विधायक के रूप में की। साल 1969 में वे अलौली से पहली बार विधायक बने। फिर साल 1974 में लोकदल से जुड़ गए। जब साल 1975 में देश में इमरजेंसी का ऐलान किया गया तो वे गिरफ्तार कर लिए गए। साल 1977 में रामविलास पासवान ने जनता पार्टी की सदस्यता ली और उसी साल हाजीपुर सीट से रिकॉर्ड वोटों से जीतकर लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। साल 2000 में उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना की। बिहार के खगड़िया जिले में शहरबन्नी गांव में 5 जुलाई 1946 को जन्मे रामविलास पासवान का निधन 8 अक्टूबर 2020 को हुआ था। केंद्र सरकार ने अब इन्हें पद्म भूषण सम्मान देकर सम्मानित किया है। दुलारी देवी, इनकी कला के मुरीद थे डॉक्टर कलाम। बिहार के मधुबनी जिले के रांची गांव की रहने वाली दुलारी देवी को केंद्र सरकार ने पद्मश्री अवार्ड के लिए चुना है। आपको बता दें कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, बड़ी मुश्किल से अपना और अपने गांव का नाम भी लिख पाती है, लेकिन कला की इतनी पारखी है कि इनके नाम और कौशल की चर्चा देश विदेशों में होती है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी दुलारी देवी की कला के मुरीद थे। दुलारी देवी ने मिथिला पेंटिंग के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। अभी तक ये अलग अलग विषयों पर 7000 मिथिला पेंटिंग बना चुकी है। साल 2012 और 13 में दुलारी देवी को राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मृदुला सिन्हा, साहित्य क्षेत्र में इनका योगदान कभी भूल नहीं पाएंगे लोग। गोवा की पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने राजनीति के साथ साथ साहित्य की भी सेवा की है। इन्हें केंद्र सरकार ने साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म भूषण से नवाजा है। वे अक्सर कहती थी कि संग चले जब 3 पीढ़ियां, चढ़े विकास की सभी सीढ़ियां। विरासत और परंपरा उनकी लेखनी के प्राण तत्व रहे हैं। उनकी 5 दर्जन से अधिक किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। मृदुला सिन्हा का ससुराल बिहार के औराई प्रखंड के मटिहानी गांव में था, जबकि मायका कांटी प्रखंड का छपरा गांव था। पिछले साल 18 नवंबर को उनका निधन हो गया। डॉक्टर दिलीप सिंह, लालटेन की रोशनी में भी करते थे इलाज। भागलपुर के रहने वाले डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह को पद्मश्री सम्मान देने की घोषणा हुई है। डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह का जन्म 26 जून 1926 को हुआ था। पिरपैती में जन्म लेने के बाद जब ये डॉक्टर बने तो इंग्लैंड अमेरिका में रहने के बाद भी देश सेवा के लिए ये वापस अपने जन्म स्थान ही लौटे। मन में तब एक ही ललक थी, जिस मिट्टी में पले बढ़े उसी के नाम अपना पूरा जीवन कर दे, और उन्होंने ऐसा ही किया। विदेशों से आए कई सारे ऑफर ठुकरा दिए। दमा की बीमारी और पोलियो से लोगों को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जेब से पैसे लगाए। इसी वजह से इनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज है। जब इन्होंने अपने शहर पिरपैती में प्रैक्टिस शुरू की थी उस वक्त बिजली नहीं थी, फिर भी गांव-गांव जाकर लालटेन की रोशनी में ये मरीजों का इलाज किया करते थे। रामचंद्र मांझी, भिखारी ठाकुर की नाटक मंडली के साथी।
छपरा के रामचंद्र मांझी को पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। रामचंद्र मांझी अभिनेता, नर्तक और गायक हैं। ये भोजपुरी के शेक्सपियर पद्मश्री भिखारी ठाकुर की मंडली के साथी थे। 40 सालों तक इन्होंने भिखारी ठाकुर के साथ काम किया है। सारण के खैरा के तुजारपुर नाम के एक छोटे से गांव में रहने वाले रामचंद्र मांझी भिखारी ठाकुर के नाटक विदेशिया में वैश्या की भूमिका अदा करते थे। 2017 में उन्हें संगीत अकादमी की तरफ से भी सम्मानित किया गया था। आज भी ये भिखारी ठाकुर के सभी नाटकों में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। बहरहाल आपको बता दें कि बिहार का मान सम्मान बढ़ाने वाले इन हस्तियों को इस साल मार्च महीने में राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले समारोह में सम्मान प्रदान किया जाएगा। इस बार देश भर के कुल 119 हस्तियों को पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण सम्मान मिला है। इनमें 7 हस्तियों को पद्म विभूषण, 10 को पद्म भूषण और 102 को पद्मश्री मिला है। सम्मान पाने वालों में 29 महिलाएं हैं। लाइव सिटीज के लिए जय भास्कर की रिपोर्ट।